क्या जी? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है दोस्तों जितना कि 1971 में था। इस फिल्म में इस गीत पर डांस किया था लक्ष्मी छाया ने। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी छाया। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं की बात करूँगी। लक्ष्मी छाया लगभग उसी दौर की डांसर थी जब हेलेन जैसी डांसर रजत पट पर सबसे लोकप्रिय डांसर थी। तुम्हारी बेटी किसको क्या इशारे करती है? इसलिए हेलेन रूपी वट वृक्ष की छाया में लक्ष्मी छाया की लोकप्रियता फलीभूत न हो पाई। ये नर्तकी विशेषकर लोक गीतों पर अद्भुत नृत्य का प्रदर्शन करती थी। एक चुलबुली, स्फूर्ति, लटके छटके इनकी विशेषता थी। लक्ष्मी छाया का फिल्मी सफर 1958 में सिर्फ 9 साल की उम्र में ही प्रारंभ हुआ, जब महेश कौल नामक निर्देशक ने इस बालिका को एक फिल्म की शूटिंग के समय दर्शकों के बीच देखा। उन्हें एक बालिका की तलाश थी। फिल्म बननी थी तलाक। इस फिल्म में वो मेहमान कलाकार के रूप में प्रस्तुत की गई। लक्ष्मी छाया का जन्म 7 जनवरी 1948 में मुंबई में हुआ था। सन 1958 फिल्म तलाक के पश्चात इन्हें काम मिला। 1962 में शक्ति सामंत की फिल्म नॉटी बॉय में काम मिला। फिर इसके बाद धीरे धीरे इन्हें लगातार काम मिलने लगे। इन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया, पर हिंदी फिल्मों में ये सदैव दो नर्तकियों के बीच दूसरे नंबर पर ही रहीं। फिर धीरे धीरे इन्हें मुख्य नर्तकी काम भी मिलने लगे। लेकिन लगभग 30 साल के फिल्मी सफ़र में सबसे बड़ा काम इन्हें दोस्तों फिल्म मेरा गांव मेरा देश में ही मिला। इसमें गांव की नौटंकी वाली मुन्नी बाई के पात्र में इन्हें अनेक गीत पर डांस करने का अवसर मिला और सभी गीत लोकप्रिय रहे। और इनके डांस ने तो दोस्तों उन गीतों को सदा बहार बना दिया था। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए के अतिरिक्त हाय शर्माओं, किस किस को बताऊं, अपनी प्रेम कहानियां, इन सभी गीतों पर अद्भुत मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन किया था लक्ष्मी छाया ने। अत्यंत आकर्षक पर अश्लीलता नहीं, यही कमाल था उस समय की आइटम सॉन्ग करने वाली डांसरों का, क्योंकि उनके पास प्रतिभा थी। इसलिए अंग प्रदर्शन या अश्लीलता का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी इतना अधिक रोल इन्हें कभी नहीं मिला, जबकि सभी ने इनके मेरा गांव मेरा देश में काम करने की प्रशंसा की थी। वैसे इन्हें दो फिल्मों में नायिका का रोल भी मिला था, पर दोनों ही फिल्में पूरी न बन पाई। इस फिल्म में नायिका थी आशा पारेख, जो स्वयं बहुत अच्छा डांस करती थी। इससे पूर्व लक्ष्मी छाया ने उनके साथ 6 फिल्में और की थीं, पर इस फिल्म में लक्ष्मी छाया को मिली प्रशंसा से आशा पारेख के मन में ईर्ष्या भाव आ गया। इसके चलते उन्होंने लक्ष्मी छाया के साथ कभी काम नहीं किया। और हो सकता है दोस्तों कि इसी कारण शायद लक्ष्मी छाया को इस प्रकार का रोल नहीं मिला हो। ये फिल्मी दुनिया है दोस्तों, अंदर बहुत कुछ होता है जो कभी सामने नहीं आता। इसके हर क्षेत्र में अनेक प्रतिभाएं गुमनामी के अंधेरे में विलुप्त हो गईं। दोस्ती फिल्म में बेहतरीन अभिनय करने वाले कहां विलुप्त हो गए, गायक येशुदास बम्बई छोड़कर क्यों भागे, हेमलता क्यों विलुप्त हो गई, और सुशांत सिंह की आत्महत्या, लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। खैर, हम बात कर रहे थे लक्ष्मी छाया की। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी अभिनेत्रियाँ आईं, हीरोइन बन गईं, लेकिन ये जो फिल्म इंडस्ट्री में छाई रहीं अपने गीतों के बल पर, अपने डांस के बल पर, लेकिन इनको हीरोइन बनने का अवसर कभी नहीं मिला। दोस्तों लक्ष्मी छाया की एक फिल्म आई थी कन्यादान, 1969 में ये फिल्म आई थी। नीरज के गीत थे, शंकर जय किशन का म्यूज़िक था, और इस फिल्म के सारे गाने मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती, या मिल गए आज मेरे सनम, या पराई हो पराई। और ये गाना याद हो आपको दोस्तों तो बोतल के अंदर आशा पारेख थी, और ये बहुत प्यारे और बहुत अलग ढंग से फिल्माया गया है। तो मैं जिस गीत की बात कर रही थी वो गीत था फूलों की महक लहरों की लजत, और इसके स्टेज पे एक नाटक खेला जा रहा था, और उस नाटक की अभिनेत्री थी लक्ष्मी छाया, और उनके पति शराब पीते हैं, तो एक वो जो भारतीय पतिव्रता स्त्री है
और वो कैसे रोकती है अपने पति को और वो चला जाता है उसे छोड़ के। लेकिन उस फिल्म में लक्ष्मी छाया इतनी हसीन लग रही थी, सफ़ेद लाल बॉर्डर की बनारसी साड़ी पहनी है, बड़ी सी गोल सिंदूर की बिंदी और पूरा जैसे आपको बांध लेती हैं, एकदम अलग तरह की लक्ष्मी छाया, बहुत प्यारी लग रही थी। एक गीत आया था आ जाना मेरे दिल में, बहुत ही अच्छा गीत था और फिल्म का नाम था एक खिलाड़ी 52 पत्ते। ये फिल्म 1972 में आई थी और इसमें आशा जी का स्वर था और इसमें डांस लक्ष्मी छाया ने किया था। दोस्तों ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने मराठी फिल्मों और हिंदी फिल्मों में अपना नाम कमाया, लेकिन एक छोटी छोटी सी भूमिकाएं करते हुए वो हमारे दिलों में छा गई और बस गई छोटी छोटी भूमिकाओं से। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ये बीमार रहने लगी थी और काम जो कि हीरोइन का मिलता नहीं था, और जीवन बसर करने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है, तो ये जो भी रोल जो भी भूमिका मिले ऐसा नहीं है कि ये रूठ के बैठ जाती कि मुझे हीरोइन के रोल नहीं मिले, तो ये करती चली गई और इन्हें फिर कैंसर हो गया और उस कैंसर से लड़ते झगड़ते किसी तरह ये फिल्मों में आती रही। फिर ये सपना जो हीरोइन बनने का था इनका, तो ये पूरी तरह से छोड़ दिया इन्होंने कि अब तो केवल ये मेरे किसी तरह से गुजर बसर हो जाए। शादी करने की कोशिश भी की, बहुत से ऑफर्स भी आए क्योंकि उस दौर में लोग इनके दीवाने हो रहे थे और होने लगे थे, लेकिन चूंकि ये बीमार थी तो कोई हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ा कि इनसे शादी करें, क्योंकि ये सबको पता था कि इन्हें कुछ समय बाद तो चले ही जाना है। हालांकि 80 फिल्में करना कोई आसान काम नहीं था दोस्तों, 80 फिल्मों में काम किया इन्होंने, बहुत लंबा अनुभव था। दोस्तों फिल्म उपकार, मेरे देश की धरती तो सबको याद है, लेकिन इस फिल्म का एक गाना बहुत ही प्यारा है और ये लक्ष्मी छाया पे फिल्माया गया है। प्रेम चोपड़ा है इस फिल्म में, आशा पारेख है, और दोस्तों बता दें कि मनोज कुमार भी बहुत मौका देते थे इनको। दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म आया सावन झूम के। इस फिल्म के सारे गाने बेहतरीन हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत ही प्यारा सा गाना था जो ये भी लक्ष्मी छाया पर ही पिक्चराइज किया गया था, और गाना था मैं एक हसीना। इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और इस गाने की खूबसूरत बात ये है दोस्तों कि स्टेज पे तो ये डांस परफॉर्मेंस कर रही है और पीछे एक पर्दा है, और पर्दे के पीछे जो इनके साथ में एक नर्तक था वो गिटार बजा रहा है, और पूरे गाने में वो सिर्फ उसका शैडो शैल देता है। तो पीछे शैडो है, आगे स्टेज पे लक्ष्मी छाया है, और कैसा तालमेल है, बहुत बहुत ही प्यारा था वो। अब बात करते हैं तीसरी मंजिल। अब तीसरी मंजिल के भी सारे ही गाने बहुत ही प्यारे हैं, और इसमें भी एक वो गाना जो है एक हसीना जुल्फों वाली, हेलेन है इसमें, शमी कपूर है, लेकिन इस फिल्म में भी दस्तक दे रही है लक्ष्मी छाया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कैसे, तो इसमें आरडी बर्मन साहब का तो संगीत था ही, आशा पारेख तनी हुई कुर्सी पर बैठी हैं और अपने टिपिकल अंदाज में शमी कपूर नृत्य कर रहे हैं, कोटने की कोशिश कर रहे हैं, और लक्ष्मी छाया आशा पारेख की दोस्त के रूप में फिरोजी कार्डिगन पहनी हुई है, उनके बगल में बैठी, लेकिन डांस स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं हेलेन। तो देखिए दोस्तों कितना अनूठा इत्तेफाक है कि हेलेन है, लक्ष्मी छाया है, आशा पारेख है, और तीनों ही बलाकिरा शमी कपूर और सभी लोग बला के डांसर्स हैं इसमें तो। और दोस्तों लक्ष्मी छाया ने कैसे रोका होगा इस गीत पे नाचने से, तो ये भी एक चरित्र होता है दोस्तों। 56 साल की रही होंगी जब इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था 9 मई 2004 को। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनका नृत्य, इनका अंदाज, चाहे वो बहन के रूप में आए, दोस्त के रूप में आए, नृत्यांगना के रूप में आए, पर सबसे प्यारी बात उनके नृत्य की ही थी कि किसी भी अंग की नृत्यांगना हो, चाहे वो क्लासिकल डांस करना हो या फोक डांस करना हो, वो बहुत ही प्यारे नृत्य करती रहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है दोस्तों, लेकिन वो हमेशा हमारे और अपने फैंस के दिलों पर राज करती रहेंगी। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।